हड़ताल का तीसरा दिन है आज। फतेहाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल का तीसरा दिन है। हड़ताल के चलते दो दिन से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। तीन दिनों के लिए हड़ताल करने की बात एनएचएम कर्मचारियों की तरफ से की गई थी और दो दिन से स्वास्थ्य सेवाएं भी इसको लेकर प्रभावित हो रही हैं। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी है इनका। नागरिक अस्पताल से लघु सचिवालय तक ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जिले के करीब 53% एनएचएम कर्मचारी इस दौरान हड़ताल पर हैं। अब आज अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी ऐलान हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए, पहले अल्टीमेटम दिया गया था, पहले कहा गया था कि मांगों को पूरा कीजिए वरना तीन दिन की हड़ताल करेंगे, और अब कहा जा रहा है कि आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाने का ऐलान हो सकता है, यानी कि इस हड़ताल को आगे भी कंटिन्यू करने का अनिश्चितकालीन तक फैसला किया जा सकता है। तो एनएचएम कर्मचारी हैं जो हड़ताल कर रहे हैं, दो दिन से इसको लेकर स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि लगभग 53% ऐसे एनएचएम कर्मचारी हैं जो हड़ताल पर चले गए हैं, और इतनी ज्यादा संख्या में कर्मचारियों का हड़ताल पर होना यानी कि व्यवस्थाओं में दिक्कतें आना, और वो दिक्कतें नजर आने लगी हैं। दो दिन से स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो चरमरा रखी हैं, प्रभावित हो रही हैं। तो आपको बता दें कि जिले के करीब करीब 53% एनएचएम कर्मचारी हैं जो हड़ताल कर रहे हैं। नागरिक अस्पताल से लघु सचिवालय तक प्रदर्शन की भी इनकी तैयारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और माना यह जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी ऐलान इस दौरान ये जो एनएचएम कर्मचारी हैं ये कर सकते हैं। तो देखिए, इनका कहना है कि इनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा, मांगे पूरी नहीं हो रही हैं, इसलिए इन्होंने अब इस हड़ताल को कंटिन्यू करने का फैसला किया है। फिलहाल ये हड़ताल जो थी ये महज तीन दिन की बताई गई थी, आज हड़ताल का तीसरा दिन है। खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी अजय मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय, पहले तीन दिन की हड़ताल की बात कही गई थी, लेकिन अब इनकी मांगों को लगता है सुना नहीं जा रहा, क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से खबर आ रही है अनिश्चितकालीन हड़ताल की का भी रुख कर सकते हैं ये अजय? बिल्कुल, देखिए, जो एनएचएम कर्मचारी है अपनी मांगों को लेकर के तीन दिन की हड़ताल इन्होंने, लेकिन अभी जो इनका कहना है कि अगर उनकी मांगे जो है सरकार ने नहीं मानी तो निश्चित तौर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। आज तीसरा दिन है और लगभग जो अनिश्चित कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं। आज स्वास्थ्य सेवाओं भी पर भी प्रतिकूल असर पड़ता नजर आ रहा है। अगर ये अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील हो जाती है हड़ताल, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो है लोगों को, आमजन को जो है परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि दो दिन से हड़ताल जारी है, तो ऐसे में अभी क्या कितनी दिक्कतें आ रही हैं, स्वास्थ्य सेवाएं काफी प्रभावित हो रही हैं अजय? बिल्कुल, देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं पे प्रतिकूल असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एनएचएम कर्मचारी जो हैं मुख्य तौर पर एम्बुलेंस में और टीबी हेल्थ में के साथ साथ जो नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट होते हैं यहाँ काम कर रहे हैं, साथ में फील्ड में भी टीकाकरण का काम और कोरोना सैंपलिंग का काम भी एनएचएम कर्मचारी कर रहे थे। ऐसे में अगर अभी भी हड़ताल पे जिनका जो अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात कही जा रही है, तो अगर ये चले जाते हैं तो टीकाकरण जो चल रहा है कोरोना का और सैंपलिंग चल रही है वो ही प्रभावित हो जाएगी। जी चलिए, ठीक है, शुक्रिया अजय खबर पर जानकारी देने के लिए।